सो फाइनली भाई पानी लेने चले गया। देखो भाई पानी बहुत ठंडा है ना, उसके पाँव में क्रैम्प आ गया। अच्छा कह रहा है मतलब वो 70 फीट सेंटर में डूब चुका हुआ था कप, एक बंदे ने बचाया यहाँ पे, देख सकते हैं। प्लीज़ लाइफ जैकेट जरूर लें, चाहे पैसे क्यों नहीं, जान आपकी 200 रुपये से कम नहीं है, ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आप लोग कैसे होंगे? सब लोग बिल्कुल मस्त होने चाहिए। और गाइस, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो जाए एक नए दिन के साथ, और इतना खतरनाक ब्लॉग होने वाला आज का गाइस। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। और गाइस, जा रहे हैं आज एक मस्त जगह, और गाइस हम जाने वाले थे कहीं लंबी ट्रिप में, बट वो कैंसिल हो चुका है क्योंकि काफ़ी हमारे जो फ्रेंड है उनको जाना था कहीं, तो इस वजह से हमारी ट्रिप जो कैंसिल हो गई। तो इस वजह हमने कहा 15 जून को हमारे नीम करौली जी का स्थापना दिवस है, तो इस मौके पे हम जाने वाले हैं वहाँ भी। और तो अभी तो हम जा रहे हैं पहाड़ों को घूमने, पर 15 तारीख अभी है काफ़ी दूर, तो अभी हम जा रहे हैं सीधे पहाड़ों की ओर घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बट उसी वजह से हम घूमने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा ब्लॉग भी शूट करना था और आपको भी घुमाना ज़रूरी था, तो निकलते हैं सीधे यार गाइस राइड में और चलते हैं गाइस सीधे वहीं पहाड़ों की ओर, स्वर्ग की ओर, और निकलते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे ब्रेकर इतने खतरनाक लग चुके हैं, बट यहाँ पे स्कूल भी है ना गाइस, तभी यहाँ पे ब्रेकर लगोगे, बट यहाँ पे पहले ब्रेकर लेते हैं, अब लग चुके हैं। दो सौ दस। तो फाइनली फ्यूल अप हो चुका है और अब चल रहे हैं सीधे गाइस राइड में, मिलते हैं सीधे रॉबी भाई से, लेट्स गो गाइस। भाई साहब यहाँ तक जाम लग चुका है, पत्थर ताक वाला भाई साहब, जाम है जामा भाई साहब, खतरनाक वाला जाम लग चुका है। भाई साहब यार इतना जाम, भयंकर खतरनाक वाला जाम लग चुका है भाई, पूरा नीचे से ऊपर तक करीब काठजाम तक जाम ही लगा है मेरे ख्याल से, ऊपर को भी पानी बाग तक ही जाम लगा हुआ भाई, खतरनाक भाई साहब। हमें यहाँ घूम घूम के आना पड़ रहा है, कट देखते हैं गाइस आगे कैसा रहता है जाम, पेड़ सारे कट रहे हैं ना, अच्छा तभी जाम भी लग रहा है, देख सकते हैं जो हमारा अतिक्रमण है रोड के है, क्योंकि रोड चौड़ीकरण साला पूरा हल्द्वानी में चल रहा है ना, पूरा हल्द्वानी में, तो इस वजह से पेड़ कट रहे सारे, और तो तब जाम लग रहा है शायद। लाइन से लग चुकी सारी गाड़ियाँ, खतरनाक हो रहा है भाई माहौल पे, पूरे जाम में फंस चुके थे मैं अभी, बड़ी मुश्किल से निकले हैं। तो अब भाई सब बीच रास्ते में टायर पंचर हो गया भाई, जनरेटर का सारा जाम ही जाम लग रहा है, नीचे को तो ऐसा खतरनाक गर्म हो रहा है ना भाई साहब। हम उसी के लिए तो गर्म से बचने के लिए तो वो परको आए, बट यहाँ भी वैसी मौसम हो रहा है, गर्म गर्म हवाएं आ रही हैं यहाँ भी, खतरनाक वाली। तो फाइनली यार भीमताल एंटर करते ही ठंडी ठंडी हवा आने लग गई, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। अभी भी जंगल में आग लगी भाई, खतरनाक भाई। फाइनली हम पहाड़ पानी वाली रोड में पहुंच चुके हैं भाई, और अब जा रहे हैं अपनी मस्त सी लोकेशन पे, दिखाने वाले आपको लोकेशन, कौन सी लोकेशन हम उस लोकेशन के लिए निकल चुके हैं भाई, इस लोकेशन में जा रहे हैं, पर काफ़ी तगड़ा ऑफ रोड है भाई यहाँ पे, अबे भाई पत्थर भाई खतरनाक हो रहा भाई, यहाँ ऑफ रोड बड़ा तगड़ा है भाई, भाई साहब ऑफ रोड है क्या मैं सर,
भाई वहाँ आदि कैलाश के भी ऐसे रस्ते हैं भाई, इससे भी खतरनाक रस्ते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं इस लोकेशन पे, बट अभी पहुंचे पुल पे और चलिए बहुत लोग ऐसे नहा रहे हैं ना भाई खतरनाक तरीके से। और अभी हमारा ट्रैक जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और चलते हैं गाइस सीधे अपने ट्रैक की ओर, फिर मिला दिखाते हैं आपको वो लोकेशन। सो फाइनली देख सकते हैं यार परिताल के ट्रैक कितने खतरनाक है भाई, भाई साहब चलेगा इस, लेट्स गो। फाइनली हम आ तो गए थे, थोड़ी दूर ही आए हैं बट धूप इतनी इतनी तेज़ चल रही है ना भाई, खतरनाक धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। चेक दिस आउट, गांव पड़ता है कि यहाँ पे छोटे मोटे चक्की है, पुरानी चक्की पानी वाली चक्की, और भाई देखो कैसा है पूरा गांव। और गांव से बीच रास्ते करीब एक से दो या ढाई किलोमीटर के लगभग ये परिताल पड़ने वाला है जहाँ से हमने बाइक पार करी है। और बहुत गर्मी होगी भाई खतरनाक वाली, भाई साहब पहुंच तो गए आधा रास्ता कवर कर लिए बट यहाँ बहुत गर्मी हो रही है अभी भाई। हम सोच रहे पहाड़ों में आके थोड़ा आनंद मिलेगा बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ भी दिन में गर्म बहुत है, सुबह शाम थोड़ा ठंडा कह सकते हैं पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है बट यहाँ पे, लेकिन धूप ऐसी लग रही है ना सीधे चेहरे पे अटैक कर रही सीधे। और भाई साहब चल रहे हैं प्लस इतनी गर्मी तो यार पसीना इतना ज़्यादा हो जा रहा खतरनाक वाला। फाइनली रास्ता भटक चुके हैं भाई, रोबी भाई ने बताया वाला डायरेक्शन, मैंने कहा वाले रास्ते चल रहे, क्यों रोबी भाई सही रास्ते आए भाई साहब, कुछ भी सकता रास्ता में भी बता तो यार चलते हैं यार उसी रास्ते जहाँ से मैं जाने की करता। हाँ कोई हल्की नहीं परी हुई ये जो नदी है परिताल वाली, ये आपको पार करके फिर ये गाँव के होते हुए आपको उस परिताल के जो झरना है उस वाले एरिया पे जाना पड़ेगा आपको। तो हम भी चलते हैं इस ट्रैक में गाइज, काफ़ी गलत रास्ते चले गए थे हम अभी आगे क्योंकि मैंने कहा था रोबी भाई से यही रास्ता करके बट वो उधर चले गए थे। तो अब जा रहे ये है ट्रैक, देखो भाई मिलते हैं गाइज आपको सीधे आगे। पहुँच चुके हैं हम इस गेट पे परिताल के, चेक दिस आउट में ये है गेट, देखो भाई गेट कैसा बना रखा है, तो मस्त बना रखे ना भाई खतरनाक बना रखा है। भाई साहब ये देखो भाई कितनी हरियाली छा रही है पूरी चारों तरफ, यहाँ पर गांव के लोगों ने पूरी खेतों में काफ़ी अच्छी खेती करी है। देखो भाई क्या कौन कौन से फूल भी ये देखो खराब हो गया, ये दूसरा गेट है सामने दिख रहा है आपको। और भाई साहब काफ़ी चढ़ाई है इस रोड में और गर्मी तो खासकर काफ़ी है। सो फाइनली यार काफ़ी मशक्कत के बाद आ चुके हैं और जो हम रास्ते से आए थे वो रास्ते में ब्लॉगिंग थी, तार लगे थे चल रहा, फिर भी हम पार करके आए लेकिन हाथ में थोड़ा बहुत कट लग ही गया भाई साहब। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम इस लोकेशन पे, चेक दिस आउट भाई खतरनाक भीड़ हो रही है भाई, ये देखो और लौंडे जा रहे हैं, शॉर्ट रास्ता ये है देखो ऊपर चढ़ने का। सो फाइनली पहुंच चुके हैं यार इस लोकेशन पे, चेक दिस आउट भाई लाइफ जैकेट है गाइस यार 100 रुपये पर हेड से मिल जाएगा, चेक दिस आउट ये है परिताल। सो फाइनली भाई पानी लेने चले गया, देखो भाई पीने का पानी खत्म हो चुका है ना मेरी बोतल पे, देखते हैं कैसे जाता है अभी भाई, गया तैरते हुए भाई खतरनाक। भाई साहब देखो भाई हमारे लिए पानी की बोतल ले आए हैं, पानी भर के वहाँ पे झरने से। हाँ यार थैंक यू, वेलकम।
लोकेशन पे जहाँ रात में परियां नहाती हैं भाई, देखो भाई ये लोकेशन है। ऐसा पहले के हिसाब से कहा जाता है कि यहाँ रात में परियां आती हैं, परियां नहाती हैं इधर। पता नीचे चले गए थे, शेर बोल दे कितना कह रहा है, मतलब वो 120 फीट 120 फीट 70 फीट 70 फीट सिगरेट पिला 70 फीट तो होगा ये अंदर अंदर सेंटर में सेंटर में तो फाइनली हम अभी नीचे से कैंप कर रहे थे तो वहाँ पे करीब गाइस एक बंदा यहाँ पे सेंटर में डूब चुका हुआ था। कब एक बंदे ने बचाया यहाँ पे, देख सकते हैं अभी दिखाया मैंने बंदे का, तो बट हम मिस कर गए भाई वो। कभी परिताल आते हैं तो प्लीज़ लाइफ जैकेट ज़रूर लें, चाहे पैसे क्यों नहीं, जान आपकी 200 रुपये से कम नहीं है, ठीक है।